के लिए मैं बम फोड़ता हूँ। बढ़ती उम्र के साथ आखिर में सब ढलता जाता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत सुपरस्टार सर रजनी अपनी कला में उतने ही लीन होते जा रहे हैं। रजनी सर पबजी की लेवल की तरह है, जिनका लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, किसी और की नहीं, सर रजनी की फिल्म जेलर की बात कर रहा हूँ। क्या जबरदस्त फिल्म है यार। आप में से कुछ गिने चुने ही होंगे जो रजनीकांत को नहीं जानते। यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आप भी उनके फैन बनने वाले। मूवी आर रेटेड है, ब्रूटल सीन्स इसमें भर भर के। स्क्रीन पर जब जब भी रजनीकांत सर आते हैं, मेरी नजर स्क्रीन से हटी नहीं रही। भाई मूवी देखने के बाद आप रजनी नहीं रजनी सर बोलना शुरू कर दोगे। रजनी सर का स्वैग, स्माइल, लुक, डायलॉग सब किलर है भाई। चलो अब आते हैं बाकी तथ्यों पर। विलन का रोल भी मस्त है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक फैमिली मैन से, जहां रजनी फैमिली के साथ सीधा सरल जीवन व्यतीत करता है। उसका एक बेटा है जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। सच्चाई की राह पर चलते हुए एक दिन उसका पाला कुछ बड़े माफियाओं से होता है। उसका बेटा घर वापस नहीं लौटता है। परिवार वाले उसके लिए चिंता करते हैं। पिता अपने बेटे को ढूंढते हुए कुछ गुंडों से निपटने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसका बेटा वर्मा नाम के एक माफिया के गिरफ्त में, और वर्मा ने उसे मार दिया है। खबर सुनते ही रजनी आदमखोर शेर की तरह बौखला जाता है और चल पड़ता है वर्मा की सेना को खत्म करने। जब वर्मा रजनी को अपने ऊपर हावी होता देता है, रजनी को उसके बेटे का जिंदा होने का प्रमाण देता है। दोनों के बीच एक डील होती है। वर्मा टाइगर को स्टेट के सबसे बड़े मंदिर आदि नारायण से क्राउन चुराने को कहता है। बदले में वर्मा उनके बेटे को पक्ष देंगे। ये काम बहुत ही मुश्किल है। टाइगर अपनी तेज तरार दिमाग से एक गेम खेलता है। क्राउन की तरह दिखने वाला सेम टू सेम मूर्ति बनवाता है और उस पीस में एक छोटा सा कैमरा लगवा देता है। टाइगर क्राउन को भेंट स्वरूप वर्मा को भेजवाता है। क्राउन के पहुंचते ही वर्मा डील के अनुसार उसके बेटे को छोड़ देता है, लेकिन उसके बेटे की सोच कुछ और ही होती है। इसी दौरान टाइगर का बेटा वर्मा के साथ एक डील करने का प्रयास करता है और ये सभी दृश्य उसका पिता टाइगर कैमरे की मदद से देख लेता है। टाइगर अपने बेटे को छुड़ाकर एक सुनसान इलाके से सच कबूल करने को कहता है, मगर बेटे को सरेंडर करना मंजूर नहीं। लास्ट में टाइगर अपने बेटे को स्नाइपर की मदद से मरवा देता है। कहानी का अंत काफी दुखद है। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई की राह पर चलते हुए बुराई के खिलाफ लड़ते रहे, आज उसका बेटा उसके ठीक विपरीत बुराई का साथ निभा रहा है।